पाकिस्तान के कई हिस्सों में भीषण अनाज संकट पैदा हो गया है, जिससे देश में विकराल स्थिति उत्पन्न हो गई है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और बैखर पैखतून खवा से जो वीडियो सामने आ रही है, उसमें गेहूं और आटे के लिए लोगों को कैमरे के सामने फूट फूट कर रोते हुए देखा जा सकता है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खैबर पैखतून खवा सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों के कई इलाकों में गेहूं खत्म हो गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अब तक के सबसे खराब आटे के संकट का सामना कर रहा है। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक हजारों लोग रोजाना सब्सिडी वाले आटे की थैलियों को प्राप्त करने में घंटों लाइन में लगते हैं, जिनकी बाजार में आपूर्ति पहले से ही काफ़ी कम हो चुकी है। उसी न्यूज़ चैनल ने कहा है कि सरकारी राशन दुकानों के आगे सैकड़ों लोग लाइन में लग रही है, जिसकी वजह से अराजकता फैल जाती है और लोगों में आटे के लिए लड़ाई होना काफ़ी आम बात हो गई है। एक दिन पहले मची भगदड़ में कुचलने से एक मजदूर की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही आटे की बोरियां लाने वाले ट्रकों की सुरक्षा के लिए कई पुलिस के जवान तैनात रहते हैं, लेकिन देखते ही देखते लोगों के बीच धक्का मुक्की हो जाती है। आटा कारोबारियों और तंदूरों के बीच कई बार झड़प हुई है। Thank you.